कुछ हाजरी भर रहे जिन्हें भी तुम संगत में बचाए हो भावें गुरु के लंगर छक रहे हो या कुछ संगत दीवान में बैठी है कृपा करके आप जी को गुजारिश करा भी चुप का दान बख्शो। प्रबंधकों को बेनती करा ना पिछे बच्चे वो खेडा खेडी जाते हैं रौला पाते हैं आओ फते बुलाइए। मैं हैरान मानता मैं कई बार असी ना कुछ दान करते हैं कुछ दान लेने गुरु महाराज एक दान मंगता असं वो भी नहीं देंगे। असी रोज भाई साहब अरदास करता सिखां नूं सिक्खी दान केस दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान फिर नहीं हटता बाबा कहता फिर दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन स्नान इन्ना कुछ मंगते हैं। तो जो गुरु मंगता उन्होंने लिख के लाना पैदा संगत जी चुप का दान बख्शो असी इतने खड़े आओ धरती एकाग्र करो फते बुलाओ आखो जी गज के वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगीधर दशमेश पिता जिन्हों के अनेक नौ अनेक शहर च लिखण लगता तो उन्होंने नौ गिने नहीं जाते मर्द कपड़ा आपे गुरु आपे चेला कहाण वाला मेरा पाचा सर्वस दानी पुत्रां दा दानी कलगी वाला बाजा वाला त्रियावां दा यार गुरु महाराज ये मेरा शहनशाह बाजा वाला फकीर होकर तुरिया वाला फकीर हो मैं जिक्र करता सीगा गुरु महाराज रतन पिंड तो तुर लगे रतन पिंड जोधा मसूरा के कोल है उतों मेरे शहनशाह संगतों को बड़ा कुछ दे के तुर चले तो संगत जो तुर लगे ना एक सिख ने उठ के बेनती की पातशाह कृपा करके कोई ना कोई निशानी दे के मेरा शहनशाह कहता हाँ निशानी तुम जरूर देंगे जिमें अपने पिंड गुरु महाराज रहम दुनिया खजाने बख्शे ना रतन पिंड भी देता रतन पिंड गुरु महाराज का सिख दातन तोड़ के लाया वो दातन गुरु महाराज ने टाली की दातन अपने बुखार में चुका के चार पांच रगड़े लाए तो धरती चला दी अज भी वह गुरु घर टाली साहब आएगा रतना पिंड गुरु पातशाह इतों क्यों जी रचा रचा अगे लाते हैं फिर पिंड आ जाता है गुरु महाराज खडूर बेली होंगे हुए आ जाते हैं मोही पिंड मोही पिंड जो आए गुरु महाराज के ना हाथ में छला पाया हुआ छाप के छाप जी छला कह जाता है गुरु साहब छले नहीं सी पाते कि समझ लो कि वह छला पाया सी जो तीर चढ़ाते ना चिल्ले के उत्ते तीर चढ़ता उदो तीर दूर तक सेह देने दूर छड़न उदों ही छला पाया जाता सी गुरु साहब ने वो छला पाया तो छला चुभ गया गुरु महाराज के हाथ सुज गया इतने आके एक मिस्त्री सिंह ने वह छला रेती दे नाल वटिया ते गुरु महाराज ने वह निशानी दे दी अज अपने आप भुन्नीपुरे पिंड से जे किसी ने देखना हो इतों गुरु महाराज चोज रचा रचा हौली हौली आ अपने हेरा पिंड हेरा गुरु महाराज ने माण महसूस किया पहुँच के क्यों क्योंकि इतने रहन वाला महंत कृपाल दास है वह महंत कृपाल दास गुरु साहब नूं जानदा है वह गुरु साहब के नाल रहा है उन्हें पौंटे तो अगे सत्त मील लगे पंघाणी के मैदान के गुरु महाराज के नाल खड़ा नाल नाल खड़ा के सामने हजार अखा आ घोड़े से चढ़िया तो गुरु महाराज हसी जाते हैं पाचा तो ये जरा कृपाल दास महंत है ये माला फेरी जाता सुखमनी साहब का जाप करी जाता तो गुरु महाराज हसे तो इन्होंने आपस में नज़र मिली जो गुरु महाराज वाल इन्हें तकिया कृपाल दास ने तो गुरु महाराज ने नानक नदरी नदर निहाल कर कह लगे कृपाल दास आखा तेरे हाथों मौत लगी है तेरे हाथों कह लगे अच्छा ठीक है इन्हें अपने चोले थलो रैगला कटिया जिन्होंने पुतका कह रैगला मुटा या डंडा कोले रख दिया साधु संत महात्मा पीर की रौली इन्हें अपने पुतका कटिया तो हजारों ने सिर च मारिया यदि मिंट कर दी धरती से डिगता साथी मगर भज गुरु महाराज को अच्छ माण है भी कृपाल दास महंत का डेरा मेरी बहुत सेवा करेगा जो गुरु महाराज के कोले आया ना
ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜ ਭੇਟਾ ਮੂਹਰਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਗੱਫਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਮਹੰਤ ਕਰਪਾਲ ਦਾਸ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਗਰੇਪੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਦੁਰ ਤੋਂ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਹੁਣ ਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਹੈ ਵਜ਼ੀਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ। ਹੁਣ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਾਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ 10 ਲੱਖ ਨਾਲ ਘੇਰਾ ਪਾ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਿਆ, ਸਿੱਖੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 5 ਪਿਆਰੇ 5 ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਹ ਦਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਉਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਰੱਖ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦੇ। ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ ਮੇਰੀਓ ਧੀਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਮੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਥੋਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਚਰਨ ਛੱਡ ਕਰ ਏਕ ਪਿੰਡ ਜਾਇ ਤਰ ਸਤਿਗੁਰ, ਕੋਟ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਹੋਏ ਏਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪਿਛਾ ਵੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਮੰਗ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕੀ ਮੰਗਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ ਜੇ ਮੈਥੋਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਚੱਲ ਆਉਂਦੇ, ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਦਾਤਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਜਸਵੰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਮਨ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਊਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਮਹਾਨਤਾ ਨਾ ਇਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਭਗਾਣੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੁਗਲਖੋਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਇੰਨੀ ਉਹ ਮਲਖਈਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚੋਲਿਆ ਪਾਪਾ ਦੇਖਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਡੇਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘਾਹ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤਲਵੰਡੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਹਲਵਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਬਸ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਜ ਆਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰਹਿ ਲਓ, ਆ ਸਾਡੀ ਆਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਭਗਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲੰਮੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰੱਖੇ, ਇੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਲੰਮਾ ਜੱਟਾ, ਲੰਮੇ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲੋ ਰਹਿੰਦੇ ਢਿੱਲੋ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਘਰ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਡਰਿਆ ਵਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਮਹੰਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ,
उन्होंने कलाइना का बर्ण ढक लगा क्यों कह रहे कदम कदम ते राज कुमार ठोकर हीरे लाल लटांगदा देखिया ना
फकीर बनिया तो रहा फकीर बने कृपाल दास महंत कह कह लगे जै कृपाल असी तो चले आगे जिमें तेरा जी करता तेन मौत उम्मीद आ जाएगी जे तेरा जी है ना तेरे मुंह चा दे के मारे ये मौत आएगी। सच्चे पातशाह अगे तुरे आते हैं चलते चलते बाजा वाला पातशाह पहुंच जाते हैं सीलों वाली दे जो सीलों वाली को आए ना इधरों जो नहंगा कोटले का वो गुरु महाराज का बहुत ही प्यारा सेवादार है भाई पीर बुद्धू शाह का नहंग खां कोटले का यदा जरा पिता है वह ना है आलम खान हूँ तुम कहो आलम खान का पुत्र भी है इहदा नाम सी चौधरी आलम खान इहदे पिता का नाम सी चौधरी नुरंग खान जिहड़ा यह है कोटला नहंगवा नहंग खां इहदा पुत्र भी आलम खान है इहदी पुत्री का नाम है मुमताज इहदे घरवाली का नाम है जैना बेगम नहंगा कोटले का जिहड़ा पुत्र है आलम खान वह ब्याहया होया अपने राय को राय कल्ले दे राय कल्ले का जवाई है यह राय कल्ले का जवाई है तैनू पता लग गया भी गुरु पातशाह मेरे शहनशाह अज वह बाटा के राही बने हैं कोई रास्ता नहीं दिता कितने जाके रुकना कोई पिंड नहीं दिखता कितने जाके गुरु पातशाह ने रुकना हो जिते डेरा करना हो कुछ नहीं नजर आता इन्होंने एक चिट्ठी लिखी तो एक सुनेहा भेजा राय कल्ले अपने कुलू नहीं खा ने अपने कुल राय कल्ले कहना साडे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज तेरे इलाके आ रहे हैं तो तेरी आप पिंड भल है राय कल्ला इलाके का चौधरी सी उसके कोल 15-16 पिंड सी उसकी भल सी उसके कोल अपने नौजवान अंगरखक भी है इसके कोल असला भी है यह नौजवान रखता जिहड़े बलवान योधे है यह फिरता फिरा राय कोट तो सीलों वाली वल जो आता ना सीलों वाली वल रास्ते गुरु पातशाह मिल जाते हैं गुरु पातशाह नतमस्तक होया सच्चे पातशाह मेरा दया साइया कृपा करके मेरे एक राय कोट कर दो ये राय कला कह लगे गुरु महाराज कहते राय साहब तेरे को जरूर आवेंगे पर अजे समा नहीं हूँ तो साडा जिहड़ा मन बनया वा ना वो तो असं लंबे पिंड जाना है हम लंबे जटपरे गुरु महाराज तार लिए ब्योमबंदी कर रहे हैं ना संगत बैठी है हम पातशाह जो ये गल पता लग गया भी राय कला एक उही राय कला है जिसे शगन से मेरे पातशाह यदि बेटी का जो ये लैके गया ना शगन तो नहिंग खां कहता जिन्ने देर मेरे गुरु पातशाह नहीं आते उन्नी देर मैं अपने पुत्र को शगन नहीं पावगा ये मन में भावना बनी हुई है मेरे वीर ने सिफारिश करी साडा रिकॉर्ड कीता है ज्ञानी गुरबख सिंह जी अलवेला उदो असी कैसट रिकॉर्ड करी थी जिन्नी राही तू गया उहदे विच गीत सी सीलों वाली पिंड वालों चले पातशाह जटपुरे लम्मे तो मेरे बहुत सारे वीर मैनू मिलते आ कहते बाबा जी तुम जसवंत सिंह दवाना ही मैं क्या हाँ मैं हो ही है कह लगे थोड़े डेंट पे पे थोड़ी सियाण घट हो गई वह भी है पर मैं दस्या मेरा एक्सीडेंट हो गया सीगा वो करके थोड़ा जहा होया वह तो अगली समय खुले समय सर्जरी होगी तो जरूर उ चेहरा आ जाएगा कह लगे तुम गा के भी सुनाओ मैं गा के भी सुना दूंगा क्या थोड़ा गीत धौल उची करके ज्यौना जानते गभरू पंजाब होगा वो भी गीत जितने समा बनया जरूर सुनावगा पर जरा आई सिफारिश गीत ना सीलों वाली पिंड वालों चले शहनशाह जटपुरे लगे जो मेरे पातशाह राय कल कहते राय अपने मुबारक चरण अगे वधाउंदे आ जटपुरे लम्मे सीलों वाली तो तुरे पातशाह उस वेले दे सीन नू जसवंत सिंह दीवाने का ढाडी गद्दा गा के इंज दस्सो शहनशाह जटपुरे लम्मे नू
अपनी गल करके फतेह बुला के जकारा नहीं छड़ दे पहले पूरी लगे क्योंकि फिर तो असं गुरु के भैर ही नहीं रहे असी गल ही नहीं पूरी हो दी गुरु साहब तो साढ़े बच्चे खड़े है जे वो तुर गए हो फिर साडा फर्ज बन एक धरती पाक पवित्र धरती है इतने मनो मुरादा पूरिया होती है मैं जिनी देर भी जो भी लंघा मैं जरूर दर्शन करके तो गुरु महाराज नतमस्तक होकर जाता इस धरती इन्नी पाक पवित्र धरती है मैं जिन्हें भी मेरे मनोकामना से मेरी अच्छों पूरी हुई गुरद्वारा पंजोल साहब मेरे बच्चों की श्रद्धा भी पूरी है मेरी बेटी इतने आई एक दिन असी उन्हें पहला अरदास की गुरु महाराज के चरणों में देखो जो प्यार बनता है आ प्रोग्राम का मैनू नहीं पता भी इतने दर्शन कर लाना ये गुरु आप ही रैप कर रहा जो ये दरते से आए मेरी बेटी ने कनेडा जाना से असी अरदास करना इस सब कुछ बड़ी मेहर की है तो इतने सू आ बीबी जी बीबी गुरशरण कौर वो बच्चों पहले ही मिली आके तो उन्होंने बड़ा माण महसूस किया बच्चों ने भी सानू मत्था टेकन सार बीबी ने इन्ना प्यार दिता इन्नी देर में बाबा जी बार आ गए बाबा बलबीर सिंह जी इन्हों पर भी बड़ी दया है इन्हें बाणी का जो नाम के रसके लोग है ना संतमा पुरख सची सुची आत्मा होती है हरेक मनुख इस बाणी पढ़ने वाले साधु संत महात्मा के मत्थे नहीं लग सकता तो बाबा जी ने बड़ी दया की विचार किए चलो इन्होंने बच्चों आशीर्वाद दिता रहमत की तो बीबी गुरशरण कौर ने बहुत बच्चों प्यार दिता मैं धन्यवाद करता भी इस दर से आ कि सानू होर संगत मिलती है होर संगत मिलती है संगत के विचों सेवा करके माण पाया जाता है गुरु नानक महाराज की सेवा की भाई लहणे ने वो लहणे तो दूजा गुरु नानक बने गुरु अंगद देव बने तो जो घुंगड़िया बेचण वाला एक जेठा एक सिख आया वो जेठे ने इन्नी सेवा की धन गुरु रामदास बन गए धन धन रामदास गुरजन सिरिया ने सवार ये दर उच्चा सोचा तो दसवें नानक का दर है तो धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जो तुम शक कहो ना शक करो भी धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज भी साड़ी मनोकामना पूरी नहीं करते तो जब तुम कहो कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज साढ़े च किमें आवगे सानू क्यों पता लगो गुरु गोबिंद सिंह महाराज आ गए साढ़े बच्चे हूँ साढ़े बच्चे ये मैं नहीं कहता ये कौन कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप कहते हैं बच्चे रोजाना दोहरा पढ़ते हो रोजाना साढ़े मन की भावना की गल है भी किमें भावना कितने खड़ती है श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज गल कहते एक पैसे पंज नारियल उन्होंने ढाक के नदेड़ की धरती से परिक्रमा करते हैं आशा है गुरु गोबिंद सिंह महाराज का लिखता ज्ञानी ज्ञान सिंह जी की वो कहते मैं तो बिच होवगा कदों आज्ञा पई अकाल की तबह चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ कितने गुरु साहब इतनी है ना कृपा करो भावना श्रद्धा रखो गुरु से सब कुछ प्राप्त होंगे अज गुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज तो लखा खुशियां घर में लेके जा रही हैं पावन शब्द है ना लख खुशियां पातशाहियां फिर उनका छे सतगुर नदर करे जे शब्द इसे करके भावना बना के आओ खुशियां लेके जावे आप कि लाइए अपना गुरु है अपने गुरु तो सब कुछ प्राप्त करना है धन्यवाद थोड़ा अगले प्रांत जिते मैं समा भाई साहब भाई दर्शन सिंह जी बख्शन गए मैं उत्तर संगत दुआ करांगा तो आप लंबे पिंड का इतिहास गुरु नाल बतावे सच्चे पातशाह तेरा करनी नामा तेरी बात असं अच्छ सारे रल मिल के पा रहे हैं इस करके नगर कीर्तन का आयोजन होया धन्यवाद फतेह अर्ज करता जी कृपा करके शब्दा ना फतेह बुलाओ आपको जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।